सोशल मीडिया पर एयर इंडिया विमान को उड़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग को मुंबई और दिल्ली की पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सबसे पहले राजनांदगांव पुलिस ने आरोपियों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें पुराने वेस्ट हाउस में नजर बंद किया गया, जहां पर रायपुर की टीम ने लगातार पूछताछ की। रात को लगभग 3:30 बजे मुंबई और दिल्ली की टीम राजनांदगांव पहुंची और आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया विमान को उड़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वो कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाता है। जानकारी के अनुसार नाबालिग मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से एडिटिंग करने में मास्टरमाइंड है, इसलिए वो भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करते रहता है। राजनांदगांव से नैमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बम रखा गया, ऐसा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ट्विटर हैंडल पे राजनांदगांव का भी उल्लेख था, तो प्रारंभिक पूछताछ राजनांदगांव पुलिस के द्वारा संदिग्धों से की गई थी और वर्तमान में इसमें महाराष्ट्र में FIR किया गया है, तो मामले की अग्रिम विवेचना महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आरोपी को कहां गिरफ्तार किया और कहां ले गए हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरा मामला महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, तो अधिकृत पुष्टि अभी उन्हीं की तरफ से आई।